बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ किलंजी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। किलंजी एक साउथ इंडियन डिश है और इसे वहाँ के लोग कोकोनट मिल्क और कोकोनट ऑयल में पकाते हैं। खैर, तो देखें, इसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल के अंदर 3 अंडे तोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और फिर से फेंट लेंगे। हाफ कप पानी और डालेंगे, करीबन 1 कप पानी हमने डाल दिया है। इसे फिर से मिक्स करेंगे और इसके अंदर 250 ग्राम, मेरे पास चावल का आटा है, इसे शामिल करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर से पानी ऐड करेंगे और इसका एक टपकने वाला घोल तैयार कर लेंगे। तो देखें, घोल की कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और अब गैस के ऊपर 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख देंगे और फिर इसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। और ये मेरे पास 4 केले हैं, इसे गोल और पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। तो दूध के अंदर उबाल आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था और करीबन 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर रखा हुआ था। तो अब इसे गैस से अलग हटा देंगे और इस साइड एक नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो ऑयल के गर्म होते ही इसके अंदर 1 करछी घोल डाल देंगे। ये वही घोल है जिसे हमने राइस फ्लोर और एग से बनाया था। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे बबल्स बने हुए हैं और ये इसकी पहचान है। इसे हमें एक साइड से ही पकाना है और 2 मिनट बाद इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे बनाते जाएंगे और सर्व करते जाएंगे। तो सर्विंग करने का तरीका ये है कि एक प्लेट में पहले इसे रखेंगे, ऊपर से गर्म दूध और केले रख देंगे और फिर अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स या स्ट्रॉबेरी वगैरह रखकर इसे सर्व करें। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो आप भी ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।